Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. I am Anila and I welcome you from the platform of Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Today we are going to start from page 66 of Gohar Mathematics for Class 1. Open your page 66. The title is Finding Unknown Value. Unknown जिसका आपको पता नहीं है, आपने वो value फाइंड करनी है जिसके बारे में आपको पहले से नहीं मालूम. चिल्ड्रन लर्न दैट वन वे टू फाइंड द अननोन नंबर इज टू काउंट ऑन. आपने जब किसी अननोन वैल्यू का पता करना होता है तो आप उसको काउंट ऑन करते हैं, यानी जिस वैल्यू का आपको पता है उसके बाद, उसके फौरन बाद का जो डिजिट है, जस्ट आफ्टर द नोन नंबर आप उसे काउंट करते हैं. तो इस तरह से आप अननोन वैल्यू का पता चला लेते हैं. Now you can do it by drawing a circle. आप छोटे छोटे circles draw करके, कोई lines draw करके या dots लगा के आप ये काम कर सकते हैं, या आप mentally, जैसे हम करते आ रहे हैं, mentally भी ये किया जा सकता है. Look at the question 4, 7, और ये जैसे आप सामने screen पे देख रहे हैं, आपके पास एक box empty है. आपने ये पता करना है कि 4 में हम किस चीज़ को add करें, कौन से digit को add करें तो हमारा answer 7 आएगा. तो हम लोग क्या करेंगे, 4 को हम माइंड में रखते हैं एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट काउंटिंग. 4 के बाद क्या आता है, यस 5, देन 6 एंड 7, एंड वी नीड द नंबर 7. हमें 7 तक ही जाना था. अब हम इसे क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज़ आवर फिंगर्स या सर्कल, जो भी आपने लिखा है, जिस तरह से भी आपने इसको किया है, आप उसे काउंट करेंगे. 4 के बाद आपने कितने डिजिट्स काउंट किए, 1, 2 एंड 3. यस 4 + 3 = 7. अब हमारे इस एम्प्टी बॉक्स में क्या आएगा, 3. वेरी गुड. ओके, नाउ लुक एट द पेज 66. अ नंबर कैन हैव डिफरेंट पैटर्न्स. आपके यहाँ पे नीचे ब्लू कलर में लिखा हुआ देख रहे हैं आप कि एक नंबर को आप डिफरेंट पैटर्न्स में भी लिख सकते हैं. अब डिफरेंट पैटर्न्स में कैसे कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे आपके सामने 8 की दी है. 8 हम 2 को जब 6 में ऐड करते हैं तब भी हमें 8 नंबर मिलता है. 1 + 7 भी 8 होता है, 4 + 4 भी 8 होता है. देयर आर ऑल्सो सम डिफरेंट पैटर्न्स, लेकिन हम 3 या 2 पे ही फोकस करेंगे. नाउ मूव टू द पेज 67. फर्स्ट वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चन फाइंड द अननोन वैल्यू. आपने अननोन वैल्यू ढूंढनी है. द फर्स्ट क्वेश्चन इज सम जो है, टोटल जो है वो 16 है और उसमें 8 एंड वी आर गोइंग टू ऐड समथिंग मोर और उसके बाद हम 16 अपना नंबर लेंगे. 8 हम मेंटली करते हुए, या अगर आपने डॉट्स लगाने हैं, इट्स अप टू यू. हम 8 को माइंड में रखेंगे और उसके जस्ट आफ्टर 8 व्हाट इज, यस वेरी गुड, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16. हमने 16 तक काउंट करना है. और कितने ये डॉट्स हो गए, ये आपकी फिंगर्स पे कितने हो गए, वेरी गुड 8. सो द मिसिंग नंबर इज, जो आपका अननोन नंबर है जो आपके बॉक्स में मिसिंग है, दैट इज 8. 8 + 8 = 16. नाउ डू द रेस्ट एंड चेक योर आंसर्स फ्रॉम द स्क्रीन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ द गिवन नंबर्स. आपने 15 के 3 डिफरेंट पैटर्न्स देखने हैं. 15 को किस तरह से हम ऐड करें, कौन से 2 डिजिट्स को ऐड करें डिफरेंट डिजिट्स को कि आंसर हमारा 15 हो. ओके, लेट्स डू इट. अगर हम 7 के साथ करते हैं, फर्स्ट में हम 7 लिख लेते हैं. आफ्टर दैट 7 के बाद क्या आएगा, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15. वेरी गुड, 7 + 8 = 15. अब बाकी दोनों आप खुद करेंगे. एंड नेक्स्ट इज 11. 11 के लिए भी सेम आप इसी तरह से काउंट करें एंड राइट द आंसर्स एंड आफ्टर दैट चेक योर आंसर्स फ्रॉम द स्क्रीन. ओके, द लास्ट क्वेश्चन इज फिल इन द मिसिंग नंबर्स. जैसे हमने पहले अननोन वैल्यू ढूंढी थी, इसी तरह से हम इसको भी करेंगे. हमारा जो बॉक्स एम्प्टी है उसके लिए हम आफ्टर कीपिंग 3 इन माइंड, जैसे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है एम्प्टी बॉक्स, आफ्टर दैट +3 = 7. हम लोगों ने 3 को माइंड में रखना है. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट काउंट. जस्ट आफ्टर 3 इज 4, 5, 6 एंड 7. आंसर हमारा 7 है. तो हमारा कौन सा डिजिट हो गया ये, वेरी गुड 4. 4 + 3 = 7. डू द रेस्ट एंड चेक योर आंसर्स फ्रॉम द स्क्रीन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. अल्लाह हाफिज़.